हेलो दोस्तों, आप सभी का एफटीआर के इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में स्वागत है। और आज हम रिवर का टॉपिक करेंगे। जैसा कि पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था रॉक के बारे में, ठीक, तो रॉक के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे और आज हम रिवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुल 32 से 33 क्वेश्चन करना है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आ जाएगा और एक पार्ट हम कल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने रिवर से रिलेटेड, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो अपवाह तंत्र है उससे संबंधित हम सारे क्वेश्चन को इन 32 क्वेश्चन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा उसके जितने ऑप्शन होंगे वहाँ से भी एक नया क्वेश्चन आपको बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए रिवर से संबंधित हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। तो क्वेश्चन की शुरुआत आप सभी को पता है कि दंडकारण्य में स्थित सारी नदियों से हो गई है, जहां पे इंद्रावती का नाम आ जाता है, ठीक। तो इंद्रावती के बारे में और इंद्रावती के साथ ही सारे ड्रेनेज सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। पहला है निबरा, दूसरा है बोल्डिंग, तीसरा है नंदीराज और चौथा है नारंगी। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने या इस टॉपिक को देखने के लिए आपको नदियों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ नदियों के नाम याद नहीं करा सकता। मैं मैप ड्रॉ करूँगा और नदियों के नाम मैं फटाफट बोलते जाऊँगा, ठीक। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा आपका नंदीराज। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम में आपको नंदीराज जो दिखेगा वह इंद्रावती में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। चलिए, तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में कुल 5 ड्रेनेज सिस्टम है। पहला सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा गोदावरी इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, चौथा महानदी ड्रेनेज सिस्टम और पाँचवा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, करेक्ट। अब ये जो 5 ड्रेनेज सिस्टम है इसमें हम बात कर रहे हैं गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम की। तो याद रखेंगे, आप लोग लिखिए अपने कॉपी में गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। अब गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। गोदावरी इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं या इसे गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है, ठीक। कुछ किताबों में गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम को केवल इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से दिया हुआ है, सबरी के हिसाब से दिया गया है, ठीक। बट आज हम एक और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात देखते हैं, क्योंकि कालिदास की कुछ पुस्तकों में जब दंडकारण्य के बारे में वहाँ पर लिखा गया, ठीक, और साथ ही साथ हीरालाल शुक्ल जी की कुछ किताबों में भी दंडकारण्य के बारे में जब चर्चा की जाती है, तब वहाँ पर एक और नदी तालपेरू के बारे में भी चर्चा की गई, ठीक, जो कि दंतेवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और सीधे जाके आज तेलंगाना पे पालगांव नामक ग्राम है वहाँ पर जाके गोदावरी से मिल जाती है, ठीक। तो हम तालपेरू को भी एक नई ड्रेनेज सिस्टम के लिए समझते हैं। तो गोदावरी इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम की पहली नदी हम लेंगे इंद्रावती प्लस इसकी सहायक नदियों को, ठीक, क्योंकि इंद्रावती अपने उद्गम से निकलकर जहाँ से निकलती है, निकलने के पश्चात ये सीधा कहाँ पे विसर्जित होगी, इंद्रावती नदी पे। इसलिए गोदावरी इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम की एक सब पार्ट या सब ड्रेनेज सिस्टम या उप अपवाह तंत्र हम इंद्रावती बोलते हैं। दूसरी की बात करते हैं हम लोग सबरी अपवाह तंत्र, ठीक, यानी कि सबरी एवं सबरी से संबंधित नदियां छत्तीसगढ़ में अपना प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पे तालपेरू की, ठीक, तालपेरू ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो तालपेरू ड्रेनेज सिस्टम एवं उसकी कौन कौन सी सहायक नदी, हम इन चीज़ों को भी आगे देखेंगे। तो याद रखेंगे, इनको आप याद रखें, इंद्रावती, सबरी और तालपेरू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। इसने बोला कि इंद्रावती की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तर से नहीं मिलती, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं अगर बनाऊं क्लियर है बात यहां तक, ठीक। इसके पश्चात हम देखते हैं इंद्रावती निकलती है हमारी कालाहांडी जिले से। कालाहांडी जिले निकलने के पश्चात वो बस्तर के तीन जिले, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला और साथ ही साथ बीजापुर जिला होते हुए यह गोदावरी से समनूर संगम यानी भद्रकाली के पास मिल जाती है। और गोदावरी नदी कुल 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर छत्तीसगढ़ की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाते हुए ग्राम कोटत्तूर के पास से वह तेलंगाना की ओर रुख कर देती है, ठीक। यहीं पर इन्होंने पूछा कि कौन सी नदी, नंदीराज। तो नंदीराज जो है वह है हमारी दक्षिण से निकलने वाली नदी, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है।
अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो ऑप्शन नंबर ए निब्रा नदी के बारे में है, तो ध्यान रखेंगे जो निब्रा नदी होती है वह निकलती है अबूझमाड़ की पहाड़ी से, और अबूझमाड़ की पहाड़ी यानी कि आप जब नारायणपुर देखते हैं, नारायणपुर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन में बहने के पश्चात यह अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। चेंज करना मतलब ये पहुंच जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के पश्चात यह बीजापुर के पास, ठीक बीजापुर जिले में यह इंद्रावती नदी से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इधर से भी एक नदी, आप सबको पता एक नदी जो आती हुआ है, कौन सी, कोटरी नदी। तो ये वाला जो संगम बनता है इसे बोला जाता है हारवेल संगम। कौन सा संगम? हारवेल संगम। क्वेश्चन अगर बनेगा कि हारवेल संगम किस किस नदियों के मध्य बनता है, तो ध्यान रखेंगे निब्रा नदी, निब्रा नदी के साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे इंद्रावती और कोटरी, इन तीनों के संगम को हम हारवेल बोलते हैं। और निब्रा का जो प्राचीन नाम है उसे आप ध्यान रखिएगा, उसका जो प्राचीन नाम है वो है नेत भरा, या कई जगह इसे बोला जाता है नेत भरत, निब्रा नदी, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं बोल्डिंग। बोल्डिंग जो नदी है वह कोंडागांव से निकलती है, और कोंडागांव से निकलने के पश्चात बस्तर में जाकर इंद्रावती से मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद बात की हम लोग नंदीराज की, फिर एक नदी है नारंगी। नारंगी के बारे में कई किताबें ये लिखती हैं कि वो कोंडागांव के माकड़ी से निकलती है, लेकिन जो नारंगी है अगर आप बस्तर रियासत से संबंधित कुछ पुस्तकों को पढ़ेंगे, उसमें जो यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है यात्रियों के, उसमें नारंगी नदी को उन्होंने बताया है कि उड़ीसा के नौरंगपुर वाले रियासत से जो उच्च भूमि है वहाँ से नारंगी नदी निकलती है और कोंडागांव में प्रवेश करती है। कोंडागांव में यह माकड़ी तहसील के पास प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के पश्चात यह दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने के पश्चात ये जाकर मिल जाती है किससे, इंद्रावती से, चित्रकूट जलप्रपात के पहले। ठीक, जब ये चित्रकूट जलप्रपात के पहले जाकर मिलती है, इसका मतलब ये होता है कि चित्रकूट में जो पानी आएगा वह नारंगी, और नारंगी के साथ ही साथ इंद्रावती का भी आता है। ठीक, अब इंद्रावती और नारंगी ये दोनों मिलकर एक संगम का निर्माण करते हैं, और उस संगम पर स्थित है नारायणपाल ग्राम। ठीक, जो कि पुरातात्विक स्थिति से या आपके धार्मिक स्थिति से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नारायणपाल ग्राम को आप ध्यान रखेंगे, जहां पर छिंदक नागवंशियों के द्वारा नारायणपाल मंदिर बना हुआ है और एक पुरातात्विक स्थल है। तो इस तरह हमने नारंगी नदी देखी। नारंगी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, मार्कंडे। ध्यान रखेंगे नारंगी की सहायक नदी है मार्कंडे, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि मार्कंडे नदी के तट पर मार्कंडे जी का आश्रम है। ठीक, मार्कंडे ऋषि का आश्रम है और ये एक रामायणकालीन आश्रम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, अर्थात क्वेश्चन वन का जो आंसर होगा वह होगा सी। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी प्रवाह तंत्र में शामिल नहीं है। चलिए, ए है नारंगी नदी, जैसे कि मैंने बताया गोदावरी में शामिल है कि नहीं है, यानी कि नारंगी नदी है इंद्रावती की सहायक और इंद्रावती है गोदावरी की सहायक, मतलब ऑप्शन ए सही है। सबरी, ठीक है, सबरी जो है, सबरी नदी को हम डिस्कस करते हैं। सबरी नदी निकलती है कोरापुट से, कोरापुट की सिंग्राम श्रेणी से निकलेगी, और सिंग्राम श्रेणी से निकलने के पश्चात, ठीक, यह आती है कहाँ पे, सुकमा, और सुकमा से आने के पश्चात ये सुकमा के बॉर्डर में बहते हुए ये सीधा आंध्र प्रदेश के पोनावरम के पास जाकर गोदावरी से मिल जाती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सबरी से संबंधित, सबरी को सुकमा तक, सबरी नदी जो निकल रही है उड़ीसा से, तो सबरी को सुकमा तक, सुकमा एक जिला और सुकमा तहसील, तो सुकमा तक इसे कोलाब कहा जाता है, और कोलाब के पश्चात इसका जो नामकरण होता है वह होता है सबरी। ठीक, तो सबरी हो गया। सबरी की कुल लंबाई जो है वह है 173 किलोमीटर, हम देखते हैं इसे। ठीक, तीसरा पॉइंट एक चीज़ याद रखेंगे सबरी से, सबरी की जो एंट्री होती है, ठीक, सबरी की एंट्री जो होती है छत्तीसगढ़ में वह होती है तुलसी डोंगरी पहाड़ी से, यानी कि जब मैं अगर कहूँ कि कोरापुट से निकलने के पश्चात ये जो सबरी नदी होगी वह उत्तर पूर्वी पठार, आप सबको पता है बस्तर में का पठार, या उसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठार। ठीक, तो उत्तर पूर्वी पठार के दक्षिणी हिस्से में जो तुलसी डोंगरी है, यहाँ पर घाटियों के निर्माण के साथ ही साथ तुलसी डोंगरी का प्रवेश कहाँ पर हो जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। तो सबरी को आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से, नारंगी हो गया, सबरी हो गया, सी आता है तालपेरू। तो ध्यान रखिएगा तालपेरू जो है वह दंतेवाड़ा की बैलाडीला की पहाड़ी
कि उच्च भूमियों से निकलती है और निकलने के पश्चात यह बीजापुर, बीजापुर के बाद पामेड़ और पामेड़ के बाद ये थोड़ा सा रास्ता तय करती सुकमा का और सुकमा में आने के पश्चात ये सीधा निकल जाती कहाँ पर, तेलंगाना की तरफ। ठीक, तो ये जो तालपेरू है ये नदी निकलती है बस्तर में, बस्तर संभाग में निकलती है आपकी दंतेवाड़ा से, यानी कि दंतेवाड़ा से यह नदी निकली और निकलने के पश्चात आपका बीजापुर और बीजापुर से सुकमा होते हुए बाहर निकल जाती है। और इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चीता। ध्यान रखेंगे, बड़ा ही कन्फ्यूज़न है, कई जगह चीता, कई जगह चिंतलनार, कई जगह चीतावागू, कई जगह चिंतावागू। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंद्रावती की जो सहायक नदी है दैट इज़ कॉल्ड चिंतावागू। ठीक, वागू का मतलब होता है धारा। ठीक है, और चिंता जो वट की उत्पत्ति हुई है वो बस्तर में सीतावट से उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो जो सीता मैया एवं राम जी एवं लक्ष्मण जी जब यहाँ पर वनवास के समय आए थे तब वहाँ पर इन्होंने इसी नदी पर अपने दिनचर्या से संबंधित कुछ कार्य किया हुआ था, इसलिए इस यहाँ पर इसे पहले सीता धारा बोला जाता था और फिर नाम परिवर्तित करके उसे सीता की जगह चिंता और चीता धारा की जगह वागू, यानी कि चिंता वागू नाम वहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। ठीक, तो ये है चिंतावागू, बट तालपेरू की जो सहायक नदी होगी वह होगी आपकी चीतावागू। ठीक है, चीतावागू, या इसे ही मैं कहूँगा चिंतलनार नदी। ठीक, और ये जो चीतावागू है यह निकलती है गोकुंडा की पहाड़ी से। याद रखेंगे अभी मई 2019 में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, गोकुंडा की पहाड़ी। ठीक, तो गोकुंडा की पहाड़ी से जो नदी निकली वह हुई चीतावागू, और यह नदी सुकमा में ही किसमें जाकर मिल जाती है, तालपेरू से। याद रखेंगे तालपेरू का अन्य नाम तालपियर होगा और इसे ही मुरेलू रिवर भी कहते हैं। ठीक, मुरेली रिवर, तालपियर एवं तालपेरू, इन सबको कहा जाता है, इन सबका वर्णन दंडकारण्य में जो मौखिक रामायण चलती है उसमें इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वह होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ के किस नदी में नौका परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ये सबको पता है, आंसर होगा बी, इस कोलाब नदी पर। ठीक, इस कोलाब नदी पर अर्थात इस सबरी नदी पर नौका परिवहन स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम इस प्रदेश में नहीं हुआ है, पहला ईब, दूसरा है बी अरपा, फिर है सी महानदी और चौथा है डी सबरी। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा डी सबरी। तो आइए देखते हैं, पहला ईब, सबको पता है ईब की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, या ईब का जो उद्गम स्थल है वह है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। पहला पॉइंट ये होता है ईब का, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, ये आपका बलरामपुर वाला बेल्ट हो गया, ठीक है, जहां पर आप सामरी पाट को लेंगे। ठीक, ये आपका पंडरा पाट वाला बेल्ट हो गया। ठीक, अब इसी पंडरा पाट में एक पठार है जिसको मैं बोलता हूँ, किसका पठार, इसको मैं बोलता हूँ खुड़िया का पठार, करेक्ट। इस खुड़िया के पठार के ऊपर एक पहाड़ी है जिसका एक का नाम है खुर्जा की पहाड़ी और एक का नाम है बखोना चोटी। ठीक, तो इसी खुर्जा की पहाड़ी से एक नदी नीचे बहती है जिसका नाम है ईब। ध्यान देंगे जिसका नाम क्या है, ईब। ठीक, और यह ईब नदी खुर्जा की पहाड़ी से दक्षिण दिशा में बहने के कारण, ठीक, दक्षिण दिशा में बहने के कारण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब ये दक्षिण दिशा में बहती है तो 600 से 700 मीटर की गहराई पर जाने के कारण यह बहुत से जलप्रपातों का निर्माण करती है, इसलिए जसपुर में हमें ईब नदी के द्वारा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत से जलप्रपातों का निर्माण दिखता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ईब की सहायक नदी है आपकी मैनी, और मैनी एवं ईब वैली जहां पर बनती या घाटी बनती है उसे काकिया क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, काकिया क्षेत्र कहा जाता है, और ये काकिया क्षेत्र जो बनता है वह बनता है जसपुर पाट पे। याद रखना, नदी निकल रही है मेरी कहां से, पंडरा पाट से। ठीक, पंडरा पाट से निकल रही है जसपुर जिले से, लेकिन इसका जो काकिया क्षेत्र है, जो घाटी ईब मैनी वैली या ईब मैनी घाटी जो बन रही है, वो बन रही है जसपुर पाट पे। चलिए
दूसरा नदी देखते हैं अरपा। अब सबको पता है अरपा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी। वर्तमान में ये 28वें जिले जो कि होने वाला है वहाँ से, यानी कि पेंड्रा से निकलेगी। सी महानदी, सबको पता है कि ये महानदी कहाँ से निकलती है, सिहावा पर्वत धमतरी से निकलने के पश्चात या दक्षिण पश्चिम में कांकेर की तरफ एंटर करती है, और कांकेर से निकलने के पश्चात या चरामा होते हुए थोड़ा सा बालोद, और बालोद से पुनः या धमतरी होते हुए आपके गरियाबंद महासमुंद आरंग होते हुए बलौदा बाजार, फिर शिवरी नारायण यानी कि जहांगीर चांपा होते हुए या रायगढ़ होते हुए महानदी निकल जाती है। यानी कुल महानदी 9 जिलों से होकर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा डी, क्योंकि सबरी जो है वह कोरापुट में सिंह राम श्रेणी से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राजहरा की पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। तो ध्यान रखेंगे जो मेरी ये राजहरा की पहाड़ी है, ठीक, तो ये जो मेरी राजहरा की पहाड़ी है दुर्ग उच्च भूमि, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा भाग है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, बालोद और बालोद यहाँ थोड़ा सा राजनांदगांव वाला पार्ट, तो यहाँ पर आती है मेरी राजहरा की पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो राजहरा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कोटरी नदी। तो ध्यान रखेंगे राजहरा की पहाड़ी से जो नदी निकलेगी जो दक्षिण की तरफ बहेगी उसे मैं कहूँगा कोटरी नदी, और यह कांकेर में भी बहती है, ठीक। और कांकेर में बहने के साथ ही साथ यह नारायणपुर का बॉर्डर बनाते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है, आपके बीजापुर में, अर्थात बीजापुर में यह क्या करेगी, संगम बनाएगी, किसे किसके मध्य, निबरा इंद्रावती और कोटरी मिलकर हारवेल संगम का निर्माण करेगी, ठीक। तो इसका आंसर होगा डी। फिर इसमें ए ऑप्शन है झोंक, बी है तेल, तेल नदी उड़ीसा से ही निकलती है, बस यहाँ के गरियाबंद वाले भाग से क्रॉस होती है, क्योंकि उड़ीसा का ये वाला जो पोर्शन है, याद रखेंगे दंडकारण्य का जो पूर्वी क्षेत्र है वह हाईलैंड है, उड़ीसा में उच्च भूमि है, नौरंगपुर रियासत पड़ता है, वहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, काफ़ी नदियाँ सीधे ही सीधे उड़ीसा में चली जाएंगी, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बस्तर होते हुए जाएंगी, और कुछ नदियाँ बस्तर की तरफ भी प्रवाहित होती हैं, यानी कि ढाल के अनुरूप। फिर बात करते हैं हम लोग नारंगी, आप सबको पता है ये कहाँ से निकलती है, और ऑप्शन है डी कोटरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वह होगा आपका डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला हुआ है मैच द फॉलोइंग, एक तरफ आपको पौराणिक नाम दिया हुआ है, एक तरफ आपको वर्तमान नाम दिया हुआ है, तो ध्यान रखते हैं क्या होगा आंसर, आप लोग जरा सोचिए, फिर मैं और कुछ बताता हूँ। पहला होगा आपका सनी, सनी जो होगा वह होगा शिवनाथ का नाम, हस्तुसोमा, हस्तुसोमा जो नाम है वह है हसदेव का नाम, ठीक। फिर है आपका पलासनी, पलासनी जो होगा वह होगा आपका जोग का नाम, और जो कृपा है, कृपा बोला जाता है अर्पा, यानी अर्पा का पौराणिक नाम की बात करूं तो कृपा होगा। तो इस आधार पर जो आंसर होना चाहिए वह होगा सी 2431, करेक्ट। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ और नाम है जिसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोंडूर को बोला जाता है सुंदराभूति, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, सोंडूर को बोला जाता है सुंदराभूति, ठीक। इंद्रावती, इंद्रावती को रामायण में बोला गया है मंदाकिनी, ठीक, यहां की ट्राइब्स के द्वारा बोला जाता है इसे इंदा नदी, ठीक। और इंद्रावती का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं इंद्रोतोया, करेक्ट हो गई बात। इसके बाद ध्यान रखेंगे एक और नदी के बारे में जिसका नाम है सबरी, और सबरी को बोला जाता है क्या, कोलाब, ठीक है, सबरी को कोलाब, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल इसका सिचुएशन ये है कि जहाँ से सबरी नदी निकलती है तो सुकमा तक, सुकमा तक इसे कोलाब या खोलाब बोला जाता है। लाला जगदलपुरी ने इसका नाम जो मेंशन किया था वह खोलाब किया हुआ है, याद रखेंगे, लेकिन इसका अभी वर्तमान में इसे कोलाब बोलते हैं, ठीक है, अभ्रंशित हो जाता है वो, और तत्पश्चात इसे सबरी का नामकरण दे दिया जाता है। सबरी के बाद याद रखेंगे एक और नदी जिसका नाम है लीलागर, और लीलागर को बोला जाता है निडिला, आप सबको पता है लीलागर के तट पर ही प्रसन्न मात्र के द्वारा बनाया हुआ शहर मल्हार स्थित था, जहां पर सरब वंश के जो शासकों ने टकसाल भी बनवाया था, ठीक। चलिए तो इसका आंसर होगा सी 2431। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र
छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है। तो जरा समझेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका महानदी, महानदी के बाद दिया हुआ इंद्रावती और इंद्रावती के बाद दिया सबरी। तो जो महानदी है वह छत्तीसगढ़ से निकल के ढाल के अनुरूप उड़ीसा की तरफ प्रवाहित होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके विसर्जित हो जाती है। दूसरा नदी दिया हुआ इंद्रावती, इंद्रावती कालाहांडी से निकलकर कोरापुट, कोरापुट से निकलने के बाद अपने वेस्ट डायरेक्शन में आने के पश्चात ये बस्तर में प्रवेश करती है, यानी बस्तर रियासत की प्रमुख नदी इंद्रावती। तो ये भी उड़ीसा से संबंधित हो गई। तीसरा दिया है सबरी। अब जो सबरी है ये भी तो निकली ना उड़ीसा से, तो कायदे से होगा क्या, तीनों नदी उड़ीसा से संबंधित, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपवाह तंत्र नहीं है, आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए जरा। ठीक, आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम मुख्यतः 5 अपवाह तंत्र देखते हैं, 5 ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, जिसे पहला है आपका महानदी, महानदी के बाद जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो गोदावरी, या इसको बोला गोदावरी इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, फिर जो होता है, याद रखें गोदावरी इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम अपने साथ इंद्रावती, सबरी और तालपेरू तीनों को लिए रखा है, महानदी अपने साथ शिवनाथ को लेकर रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद ध्यान रखेंगे सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, फिर याद रखिएगा आप नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, और फिर याद रखेंगे आप ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, करेक्ट। अब क्षेत्रफल के आधार पर बात करूं, यानी ये कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, अगर उस क्रम में मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे महानदी सबसे पहले, फिर गोदावरी, फिर सोन, फिर आपका आता है ब्राह्मणी, और फिर आता है आपका नर्मदा। परसेंटेज वाइज भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन ज़्यादा है कौन कम है किसका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, एरिया वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्क्वायर किलोमीटर में कौन ज़्यादा है कौन कम। ठीक, तो याद रखेंगे महानदी का 75858, गोदावरी का 38,000 के समथिंग लगभग होगा। ठीक है, और आपका ये कौन सा सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम जो है वह लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग, ब्राह्मणी जो है वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर की समथिंग, आई थिंक 1394 स्क्वायर किलोमीटर, और जो मेरा नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम है 0.521% या 741 स्क्वायर किलोमीटर की समथिंग ये फैला हुआ है। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। महानदी छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में बहती है, बिल्कुल सत्य है। दोनों राज्यों को मिलाकर महानदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आप लोग ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा 141,600 स्क्वायर किलोमीटर, जहां पर छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा को मिलाकर ये स्थित है। ठीक, लंबाई की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर, जहां पर छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई है 286 किलोमीटर। करेक्ट, तो एक तरफ हम लोगों ने स्क्वायर किलोमीटर में देखा महानदी का कुल 141,600, और एक तरफ केवल लंबाई। जब मैं नदी की केवल बात करूंगा तो मैं नदी की लंबाई बात करूंगा, जब नदी के साथ उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा महानदी अपवाह तंत्र, यानी महानदी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करूंगा, और जब उन सहायक नदियों के द्वारा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या क्या प्रभावित हो रहा है, वहां पर एग्रीकल्चर, कृषि और क्या क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं, और जब उस संकल्पना के बारे में बात करूंगा तो मैं महानदी बेसिन की बात करूंगा। ठीक, तो तीनों वर्ड्स अपने आप में उसे क्राइटेरिया के हिसाब से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पहला है पूर्ववर्ती नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है अनुवर्ती नदी, तीसरा है परवर्ती नदी। महानदी के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, टी डी 1 2 3, यहां तक के ऑप्शन हमारे पास हैं। आप लोग डिसाइड करिए कि इसमें से आंसर क्या होगा। तो गाइस यहां पर हम लोग देखते हैं नदियों के पैटर्न के बारे में, आप सबको पता है ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम के एक पैटर्न होते हैं जिसको हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है कॉन्सिक्वेंट, जिसे हम बोलते हैं अनुवर्ती, ठीक, अनुवर्ती ड्रेनेज पैटर्न, और एक होता है इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, तो दो तरह के पैटर्न होते हैं, कॉन्सिक्वेंट और दूसरा इनकॉन्सिक्वेंट, और याद रखेंगे इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न जो होते हैं इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है एंटीसीडेंट, या जिसे हम बोलते हैं पूर्ववर्ती ड्रेनेज पैटर्न, और एक होता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न।
सुपर इम्पोज्ड के बारे में या नहीं दिया तो हम इसे नहीं समझ सकते। ठीक, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट दिया हुआ है, इनकॉन्सिक्वेंट के अंतर्गत एंटीसीडेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में ये है, ऑप्शन नंबर दो में ये वाला है कथन में। ठीक, और एक दिया हुआ है आपका सब्सिक्वेंट। तीन चीज़ें दी हैं, अर्थात हमें तीन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो याद रखेंगे जो इनकॉन्सिक्वेंट रिवर होते हैं इन पे ढाल का कोई फर्क नहीं होता। ये एक ऐसे रिवर या एक ऐसे अप रिवर के पैटर्न्स होते हैं जो हिमालय के निर्माण के पूर्व ही ये बह रहे थे। हिमालय का निर्माण होता है तब इन्होंने क्या किया, इन नदियों ने बड़े बड़े गॉर्जों का, बड़े बड़ी घाटियों का क्या किया, निर्माण किया, लेकिन इन्होंने अपनी दिशाओं को परिवर्तित नहीं किया। ठीक, यानी कि इस पर सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, साथ ही साथ गंगा नदी, ये जो तीन से चार जो नदियां हैं वो इनकॉन्सिक्वेंट के अंतर्गत, एंटीसीडेंट रिवर के अंतर्गत आती हैं। यानी कि हिमालय की मुख्य जो नदियां हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न के अंतर्गत। अब बात करूं अगर मैं कॉन्सिक्वेंट की, तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है ढाल के अनुरूप, किसके अनुरूप, ढाल के अनुरूप नदियों का प्रवाह, उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब मान लेते हैं कि भारतीय भूगोल में आप सबको पता है वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट से बहने वाली मैक्सिमम नदियाँ जो होती हैं वह कहाँ चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती हैं। अर्थात वो ढलान के अनुरूप क्या हो रही है, बह रही है। यानी कि कॉन्सिक्वेंट रिवर का मतलब होता है ऐसी नदियाँ जो हिमालय निर्माण के बाद उत्पन्न हुई, उनका उद्गम स्थल फाइनल हुआ। ठीक, और वह ढाल के अनुरूप बह रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट रिवर। अब इन कॉन्सिक्वेंट रिवर पे ही अगर 90 डिग्री पे कोई अन्य रिवर या इसकी सहायक नदी आ जा रही है तो उसे मैं बोलूँगा सब्सिक्वेंट रिवर। करेक्ट, तो इस कॉन्सिक्वेंट रिवर की हेल्पिंग रिवर को ही मैं क्या बोल दिया, इजी शब्दों में अभी आप समझिए, सब्सिक्वेंट रिवर। तो तीन ऑप्शन है, इसने बोला महानदी के बारे में बताइए, तो पूर्ववर्ती नदी। याद रखेंगे हमारे जो प्रदेश का निर्माण हुआ था वो हिमालय के निर्माण के पश्चात होता है। ठीक, तो इसलिए जो महानदी है वो पूर्ववर्ती नदी नहीं है। दूसरा बोल रहा है अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो ऑप्शन में मैंने बताया आपको कॉन्सिक्वेंट जो रिवर होता है वो ढाल के अनुरूप जाएगा, और ढाल के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम नदियां, लाइक अगर मैं बात करूँ सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम नॉर्थ की तरफ, ठीक, गोदावरी वो भी किधर है, ढाल के अनुरूप है। सेम महानदी मैदान का ढाल पूर्व की ओर होने के कारण ये भी अपने प्रवाह किधर करती है, पूर्व की ओर करती है। अगर मैं बात करूँ महानदी ड्रेनेज सिस्टम में उनकी सहायक नदियों का अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो सभी किस डायरेक्शन में होंगी, पूर्व डायरेक्शन में। यानी कि महानदी जो होगी वह मेरी एक कॉन्सिक्वेंट रिवर होगी। और ये भी ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ की बहुत सी नदियाँ, मैक्सिमम 95% नदी जो होने वाली है वह कॉन्सिक्वेंट होने वाली है। ठीक, तो जो मेजर नदियाँ हैं उनको आप कॉन्सिक्वेंट लेके चलें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इस आधार पर इसका आंसर जो होगा बी, केवल और केवल दो, यानी कि यह अनुवर्ती नदी है। ऑप्शन के हिसाब से हमें यही दिख रहा है कि यह अनुवर्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, सिनाथ नदी के बारे में सत्य कथन है बताइए। तो ध्यान रखेंगे पहला अमेरिकापा तालागांव सिनाथ नदी के तट पर है, बिल्कुल सही। सिनाथ नदी का उद्गम शिवा नामक गोड़कनिया के नाम पर हुआ, नदी का नाम ठीक है। तीसरा, इस नदी का उद्गम पाना बरस की पहाड़ी कोडगुल ग्राम से हुआ, ठीक, और यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा केवल 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन होगा ए। तो ध्यान रखेंगे जो मेरी अमेरिकापा में स्थित जो तालागांव है वह शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, और तालागांव एक पुरातात्विक स्थल है, और यह जो तालागांव है यह सरब पूर्ववंशियों का एक गढ़ था जहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित बहुत सी पुरातात्विक वस्तुएं हमें सरबपुरी डायनेस्टी से मिली हुई है। ठीक, तो जो सरबपुरी डायनेस्टी है इसका जो आगमन हुआ वह राष्ट्रीय तुल्यकुल वंश के बाद होता है। तो राष्ट्रीय तुल्यकुल वंश आप सबको पता है, इसमें कुछ डाउट्स इस तरीके से होते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो आप सबको पता होना चाहिए जब गुप्तों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, ठीक, तो यहाँ पर आटविक साम्राज्य की क्या थी, स्थापना थी। ठीक है, तो आटविक जो थे और गुप्तों के आने से साथ ही साथ कुछ उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के राजाओं के
आक्रमण से यहाँ के जो वनवासी लोग थे, यहाँ के जो आत्विक परंपरा को मानने वाले लोग थे, वो लोग उनसे आकर्षित होते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं और आगे अपने साम्राज्य को विस्तारित करते हैं। इसी आधार पर ही छत्तीसगढ़ में हम स्थानीय राजवंशों के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। खैर, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, हम अभी ज्योग्राफी देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर समझते हैं। पहला तो क्लियर है, शिवनाथ नदी के तट पर बिलासपुर जिला। दूसरा समझिएगा, शिवनाथ नदी का नाम शिवा नामक गोड़ कन्या के नाम पर होता है, तो याद रख लीजिए, सही है। ठीक, शिवनाथ नदी के बारे में समझते हैं कि शिवनाथ नदी जो है वह निकलती है पानाबरस की पहाड़ी से। ठीक, इसके पीछे एक महाराष्ट्र से संबंधित एक लोक गाथा है, उस गाथा के बारे में भी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2013 में एक अनुसंधान होता है। 2013 में अनुसंधान होने के बाद शिवनाथ की जो उत्पत्ति या शिवनाथ का जो उद्गम स्थल है, याद रखेंगे शिवनाथ का उद्गम स्थल गढ़चिरौली के गिडौरी या कहीं पे गिडौरी भी लिखा होता है, गिडौरी नामक ग्राम से इसका उद्गम है। किसका? शिवनाथ का। तो महाराष्ट्र में याद रखेंगे गढ़चिरौली के गिडौरी ग्राम से शिवनाथ निकलती है, और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अगर ऑप्शन में आएगा पानाबरस तो आप पानाबरस लेके जाएंगे, अगर पानाबरस नहीं है और गढ़चिरौली है तो आप गढ़चिरौली को टिक लगाएंगे। तो पानाबरस की पहाड़ी याद रखेंगे, पानाबरस की पहाड़ी में स्थित एक ग्राम है। मैं सारी नदियों में आपको ग्राम तक लेके जाने की कोशिश करूँगा, कोटगुल ग्राम, और इस कोटगुल ग्राम से ही शिवनाथ नदी की उत्पत्ति होती है। और शिवनाथ नदी की कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर है, और ये शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, न कि यह सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो है वह है आपकी महानदी, क्योंकि उसका कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। ठीक, तो इस आधार पर इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3 यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में संगम स्थलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला, महानदी लात मांड, सही है। चलिए तो ये देखिए आप, ये आपका जांजगीर चांपा जिला, ये आपका कौन सा हो गया, ये है आपका चंद्रपुर। ठीक, इधर से आती लात, इधर से आ रही है आपकी मांड, और इधर से आ रहा है आपकी महानदी। करेक्ट होगी बात, यानी कि महानदी, मांड और लात मिलकर यहाँ पर क्या बना रही है आपका, चंद्रपुर नामक एक धार्मिक स्थल का निर्माण करती। बिल्कुल से दूसरा है पैरी सोंडूर महानदी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको पता है, इसको मैं अलग से ही बना दे रहा हूँ, ये ठीक, यहाँ से आ रही है महानदी, करेक्ट, यहाँ से निकल रही है आपकी पैरी, और पैरी के बाद इधर मिल जाती है सोंडूर। याद रखेंगे सोंडूर इस संगम पे नहीं मिलती है, लेकिन वो आपकी पैरी की सहायक नदी है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पैरी और सोंडूर दोनों का पानी पैरी आगे लेके जाती है और महानदी पे राजिम के पास जाकर मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे राजिम जो है गरियाबंद में है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ठीक, और राजिम को ही पंचकोशी यात्रा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे नदियों के संगम पर ही कुलेश्वर महादेव भी स्थित है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता है राजिम में राजीव लोचन मंदिर, यह पर्यटन से संबंधित एक प्लेस है। तीसरा है जोग शिवनाथ महानदी शिवरी नारायण, करेक्ट। ये देखिए, ये आपका हो गया महानदी शिवरी नारायण के दक्षिण से निकल के आ रही, कौन सी, जोग, और इधर से आ रहा है कौन सा, शिवनाथ। तो इस तरीके से ये वाला जो बेल्ट हो गया, ये आपका हो गया शिवरी नारायण, यानी जांजगीर चांपा में दो नदी धार्मिक स्थल दिखते हैं, पहला शिवरी नारायण और दूसरा चंद्रपुर। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, दो और संगम हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप एक प्लेस और मैं बना देता हूँ, ये आपका रायपुर हो गया, ये मैंने बलौदा बाजार बनाया, और बलौदा बाजार में यहाँ पर ये है आपका सोमनाथ। ठीक, और इस सोमनाथ पे ये शिवनाथ जो है ये आपका बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक,
ये बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट और ये आपका आ जाएगा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ये सोमनाथ पे एक नदी आ जाएगी जिसका नाम है क्या, खारून। तो खारून और शिवनाथ मिलके सोमनाथ संगम का निर्माण करते हैं, ठीक। और बेमेतरा में ही, ध्यान रखेंगे, बेमेतरा में ही एक और नदी है जिसका नाम है हाफ, और यह हाफ नदी इस बेमेतरा में मिलकर, बेमेतरा में शिवनाथ से मिलकर जोगी संगम का निर्माण करते हैं। किसका, जोगी संगम। यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है तरपोंगी और यहाँ पे मावली माता का मंदिर है, ध्यान रखेंगे, जोगी संगम, करेक्ट। उसके बाद एक और संगम है छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, खैरागढ़। और इस खैरागढ़ में एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, आमनेर, ठीक। और आमनेर के साथ एक नदी आती है आपकी पिपरिया, और पिपरिया के बाद मुस्का। तो इसके आधार पर मुझे समझ में आया कि यहाँ पर आपका एक आमनेर यानी खैरागढ़, दूसरा जोगी संगम, तीसरा सोमनाथ, चौथा राजिम, पांचवा शिवरी नारायण और छठवा चंदरपुर। इतने सारे संगम हैं, इतने सारे नदियों को, इसको आप एटलीस्ट याद रखें। चलिए, असत्य पूछ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में असत्य पूछने कारण ए सही है, बी सही है, ठीक, उसके बाद सी भी सही हो गया, और सी सही होने के बाद डी, यस ऑप्शन इसका होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सत्य है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। पहला पॉइंट, मैकल पर्वत श्रेणी महानदी अपवाह तंत्र को नर्मदा अपवाह तंत्र से अलग करती है, सबको पता होगा, मैंने तीसरे वीडियो में बताया था। दूसरा, कवर्धा जिले में बंजर एवं ताड़ा नदी का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। तीसरा, नर्मदा प्रवाह तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र प्रदेश को 0.521% है। चलिए बात करते हैं इस पे, तो याद रखेंगे ये मैंने बनाया कवर्धा, ठीक। कवर्धा के बाद ये वाला भाग हो गया आपका किसका, मुंगेली का, ठीक है, और इधर आपका आ जाता है ये आपका राजनांदगांव वाला पार्ट। तो याद रखिएगा कि यहाँ से ये जो मैकल रेंज यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है, इस मैकल रेंज से ही एक नदी और एक दूसरी नदी, एक का नाम है बंजर और दूसरे का नाम है ताड़ा। और इसमें भी ध्यान रखेंगे, बंजर की सहायक नदी है ताड़ा, और ये दोनों जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ये है नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम की प्रमुख नदी, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 740 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। यानी बंजर और ताड़ा दो ऐसी नदी है जो कि मैकल से निकलती है, और ये दोनों नदियाँ नर्मदा की सहायक नदी है, और नर्मदा एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है जो विसर्जित होता है अरेबियन सी में। बाकी जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो चार ड्रेनेज सिस्टम है, वो बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, विसर्जित होती हैं, ठीक। इसका आंसर होगा सभी सही, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा सभी सही, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 14 में, छत्तीसगढ़ में नदी जल विभाजकों के बारे में सत्य कथन है। पहले भी हमने जल विभाजक के बारे में बात किया था कि वाटर सेपरेटर वो होती है जहां पर एक भूखंड होगा, आपका पहाड़ी हो सकता है या वो पठार हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, महानदी अपवाह तंत्र तथा नर्मदा प्रणाली का जल विभाजक मैकल पर्वत है, महानदी अपवाह तंत्र तथा सोनगंगा अपवाह तंत्र का जल विभाजक पूर्वी बघेलखंड है, महानदी अपवाह प्रणाली तथा इंद्रावती अपवाह प्रणाली का जल विभाजक तेलीन घाटी है। तो क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा डी, सभी, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, इस तरह ये आपका हो गया सोनगंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी, ठीक, यानी इंद्रावती। याद रखेंगे ये वाला जो बेल्ट होगा ये हो गया ईस्टर्न बघेलखंड, तभी इसने बोला सोनगंगा और महानदी के मध्य, फिर इसने बोला महानदी और सोनगंगा के मध्य आपका क्या होगा, मैकल, और फिर इंद्रावती या गोदावरी तथा महानदी के मध्य होगा आपका केसकाल घाटी। तो इस तरीके से आप वाटर सेपरेटर को ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, महानदी की प्रवाह के संबंध में कौन सा युग्म सत्य है। पहला, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल पूर्व की ओर होने की वजह से इस प्रवाह तंत्र की नदियाँ अधिकांशतः पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, राज्य का लगभग आधे से अधिक महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, बिल्कुल सही। आपको पता है राज्य का 135192 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और महानदी अपवाह तंत्र का जो स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल है वो है 75858। तो लगभग आप बोल सकते हो इसका 50% से ज़्यादा, यानी कि लगभग 56-57% या 75858 स्क्वायर किलोमीटर महानदी अपवाह तंत्र का यहाँ पर क्या है, एरिया फैला हुआ है, तो ये भी सत्य है। तीसरा, इस अपवाह तंत्र की उत्तर की सहायक नदियाँ दूध, सोंडूर और सूखा है। क्या है, इस अपवाह तंत्र की उत्तर की सहायक नदियाँ दूध, सोंडूर और सूखा, ये गलत है,
क्योंकि दूध, सोंढूर एंड सूखा ये महानदी में दक्षिण से मिलकर आने वाली नदियां हैं। दक्षिण याद रखिएगा, नदी जिस डायरेक्शन में बहते हुए दिख रही है आपके राइट साइड में, और इधर बोलेगा तो इधर लेफ्ट साइड में। बाकी डायरेक्शन आपको पता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो नदी ऐसी बह रही है, ठीक, और यहाँ बोल देगा कि लेफ्ट और राइट से बहने वाली नदी कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट ये होगा, तो इधर से बहने वाली नदी जो भी होगी वह होगी राइट, और इधर से आने वाली जो भी नदी होगी वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दैट मेन रिवर होगी, ठीक। चलिए, तो शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सत्य है, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, इसी के साथ याद रखेंगे इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है, वह है कोटरी नदी, जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका बी, 1, 2 एंड 4, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लीलागर नदी के बारे में सत्य कथन को बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, यह महानदी की सहायक नदियों में से एक है जो कि दक्षिण की तरफ से मिलती है। तो हम लीलागर नदी के बारे में समझते हैं क्या है इनका हिसाब किताब। तो ये देखिए, लीलागर नदी जो है वो कोरबा की पहाड़ियों से निकलेगी, ठीक, कोरबा यानी पाली के पास ये निकलती है, और निकलने के पश्चात ये बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा के पास ये क्या बनाएगी, बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा का ये बॉर्डर बनाती है, ठीक है। अब इसी लीलागर नदी के तट पर यहाँ पे मस्तूरी तहसील है, और इसी मस्तूरी तहसील में यहाँ पर क्या है, मल्हार, ठीक। इधर से आपकी एक नदी आ गई ऐसे करके, ये आपकी शिवनाथ जो कि यहाँ पे शिवरी नारायण में जाके मिल जाएगी, ठीक। इधर से एक नदी आके निकल के आती है जिसका नाम क्या है आपका, मनियारी, करेक्ट। और यहां से एक नदी निकल के आ रही है, इसका नाम क्या है आपका, अरपा नदी, करेक्ट हो गई बात। तो अरपा नदी पेंड्रा के खोंडरी एंड खोंगरा से निकल रही है, और बलौदा बाजार के मानिक चौरा में जाकर किससे मिल रही है, यह मिल रही है शिवनाथ से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लीलागर नदी निकल रही है कोरबा डिस्ट्रिक्ट से, और आपके बिलासपुर जिले पे ही जाकर यह मुकुंदपुर नामक स्थान पर मिल रही है, किससे, मुकुंदपुर नामक स्थान में मिल रही है। अब इसके तट पर एक स्थल है जिसका नाम है मल्हार, ठीक। अब ये जो मल्हार है यह एक पुरातात्विक स्थल है जिसे प्राचीन काल में मलाल पत्तन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मलाल पत्तन, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर एक पोर्ट या एक बंदरगाह था जिसके तहत यहाँ से व्यापार किया जाता था प्राचीन काल के राजाओं के द्वारा, अर्थात यह एक ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित साम्राज्य बोल सकते हैं, या एक स्थल बोल सकते हैं, विकसित स्थल था। तो मलाल पत्तन क्यों, तो ध्यान रखें, यहाँ से आता है अरपा, ये है आपका लीलागर, और ये है आपकी शिवनाथ। तो इन तीनों नदियों से घिरे होने के कारण यह एक क्या था, बंदरगाह शहर था। अरपा का पुराना नाम जो है वह है कृपा, लीलागर का पुराना नाम जो है वह है निडिला, और शिवनाथ का पुराना नाम जो है वह है सुनी या सिवा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वह होगा केवल 2 एंड 3, यानी ऑप्शन सी इसका सत्य आंसर है, अर्थात इसका ऑप्शन जो सी होगा वह सत्य होगा, यानी केवल 2 और 3, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 16 क्वेश्चन कर लिया, बाकी जो 16 क्वेश्चन है वो अपन कल कर लेंगे, ठीक। इसके पश्चात ज्योग्राफी का एक एक पार्ट हम इसको धीरे धीरे करके क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे, हम मिट्टी वाला टॉपिक ले गए, मिट्टी एंड क्लाइमेट दो पार्ट और देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो पार्ट होंगे, जैसे कि विद्युत हो गया, कृषि हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक, उद्योग हो गया, इसको हम इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट साथ ही साथ कुछ बेसिक पार्ट्स को मिलाकर एक वीडियो बनाते जाएंगे, जिसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी इससे संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, कहीं इशू नहीं है, वहाँ पे उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।